सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर। आज की जो सूचना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से है। जो बच्चे इस यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, ये सब बच्चे कन्फ्यूज हैं मेजर और माइनर सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है। और इसी के कारण बहुत सारे बच्चों की परीक्षाएं जो छूट गई हैं, वो लोग समझ में नहीं आया कि मतलब कौन सी परीक्षा हमारी है, कौन सी परीक्षाएं नहीं है। जो एडमिट कार्ड में दिया हुआ है वो इंग्लिश में दिया हुआ है, और जो आपका टाइम टेबल में दिया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में, उसमें आपका हिंदी में दिया है। और इसी वजह से ये जो परीक्षाएं हैं ये 14 तारीख से यानी कि 14 मार्च से स्टार्ट हुई हैं, और ये परीक्षाएं 9 अप्रैल तक चलेंगी। यानी कि जो परीक्षाएं हो रही दो पारियों में हो रही है, यानी कि पहली पारी जो है 8 से लेकर 11 बजे है, दूसरी पारी 2 से लेकर 5 बजे के बीच में है, ठीक है। 14 तारीख को जो हमारा पेपर हुआ था यानी कि शारीरिक शिक्षा का हुआ था, ठीक है। जिन बच्चों के एडमिट कार्ड पर फिजिकल एजुकेशन लिखा हुआ था यानी कि शारीरिक शिक्षा का उनका पेपर था, और इसी के कारण बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन बना रहा और बहुत सारे बच्चे जो है परीक्षा भी छोड़ चुके हैं। और बात करें दूसरा जो पेपर था चित्रकला का था, और एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, ठीक है, और टाइम टेबल में दिया है चित्रकला दिया हुआ है। इस वजह से भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज थे, जिनके कारण काफ़ी बच्चों ने परीक्षाएं छोड़ दी। और आप लोग जल्दी से जल्दी अपना टाइम टेबल निकालिए, एडमिट कार्ड निकालिए और टाइम टेबल निकालिए, दोनों में मिलान करिए कौन सी परीक्षाएं हमारी कब है, किस तिथि को है, और हमारे इस टाइम टेबल से भी मिलाकर आप निश्चित कर सकते हैं किस तारीख को हमारी परीक्षाएं हैं। क्योंकि जो हमारे ये टाइम टेबल बनाया गया है इसमें यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। जो आपके टाइम टेबल परीक्षा का टाइम टेबल है और एडमिट कार्ड का टाइम टेबल, दोनों सेम इसमें दिया गया है। आप इस प्रकार मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं 15 तारीख को जो पेपर है होम साइंस का है, फंडामेंटल ऑफ न्यूटन एंड ह्यूमन वैल्यू, इसको गृह विज्ञान, समाज कार्य और सैन्य विज्ञान, संगीत, भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी, जिनका एडमिट कार्ड पे लिखा है वो लोग भूगोल का परीक्षा देंगे, ठीक है। इस प्रकार हिंदी काव्य लिखा हुआ है वो हिंदी का पेपर देंगे 23 तारीख को। इस प्रकार ये टाइम टेबल देख सकते हैं, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और देखकर उतार भी सकते हैं। इस प्रकार ये देख सकते हैं परीक्षाएँ जो हैं 4 मार्च, 5 मार्च दो पारियों में हो रही हैं सब। उसके बाद एडमिट कार्ड से अपने जल्दी से जल्दी मिला सकते हैं आप इसको। उसके बाद यहाँ देखिए साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है, ये साइंस का पेपर होगा। जितने भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं, हमारे इस टाइम टेबल से अपना एक बार एडमिट कार्ड और सब्जेक्ट को ज़रूर मिलाएं, ताकि आप लोग अच्छे से परीक्षा दे सकें और अच्छे से तैयारी कर अपना पेपर देने जा सकें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।